हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में दिखा रहे हैं आपको ये जो पल्ला लगाए हैं जो पलाई का इसमें हैंडल लगाएंगे तो पूरा फिटिंग देखिए हम कैसे कर रहे हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे पहले हैंडल को रख कर उसमें निशान किए हैं निशान लगाने के बाद ये ड्रिल मशीन से हम उसमें सुरंग करते रहें तो देख रहे हैं ये सुरंग दो हो चुका है और इस इधर का भी हम मापिंग कर ले रहे हैं उसके बाद हम यहाँ भी निशान लगा कर और फिर यहाँ भी हम ड्रिल करके तो ये पेच इधर से भी लगा दे रहे और ये पेच इधर से लगा रहे हैं उधर भी पेच निकला हुआ इसी पेच में उधर वाला भी हैंडल हम लगाएंगे तो दिखा रहे हैं आपको कि अंदर वाला फिटिंग कैसे करेंगे इसी पेच में तो देख रहे हैं यहाँ पे ये जो पेच निकला हुआ है उसी में हम यहाँ पे नट जो है कस दे रहे हैं यहाँ भी हैंडल उसी में लग जाएगा ये नहीं कि अलग से हम लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा बाहर को भद्दा लगेगा देखने में इसलिए उसी पेच में हम इसको भी सेट कर दिए हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो थोड़ा कटिंग कर रहे हैं यहाँ पे हैंडल लुप्त हो जाएगा ये थोड़ा अलग तरीके से हम लोग ये गेट में हैंडल लगा रहे हैं तो देख रहे हैं कि बाहर से पता नहीं चल रहा है कि हैंडल कहाँ से इसका पहला वाला जो लॉक है वो अंदर की तरफ बंद हो गया है जो दिखाई नहीं दे रहा है और यहाँ भी ये निशान लगा दे रहे हैं कि यहाँ पे ताला लॉक लगेगा और एक अंदर चला जा रहा है वहाँ पे और एक इधर बाहर की तरफ है तो यहाँ भी पेच लगा दे रहे हैं तो देख रहे हैं कि दोनों हैंडल लग चुका है और उसी पेच में इधर से भी ये जो यहाँ पे लॉक लगाएंगे ताला वहां के लिए भी उसी पेच में हम लोग एडजस्ट कर दिए हैं तो देख रहे हैं ये कंप्लीट लगा चुके हैं हैंडल और ये हम आपको गेट बंद करके भी दिखा रहे हैं कि ये गेट बंद कर रहे हैं तो वो जो लॉक लगाए हैं वहाँ पे देखिए ये अंदर को हो जा रहा है ये एक अलग तरीके का दिख रहा है बाहर से लग रहा है कि ये लॉक नहीं लगा है तो देख रहे हैं कि ये अच्छा लग रहा है देखने में तो ऐसा सिंपल में आप भी लगा सकते हैं घर पे अगर ड्रिल मशीन हो तो आप हैंडल लगा सकते हैं तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में